अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। आपके साथ अहम तरीन अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं। शान मसूद भी T20 वर्ल्ड कप 2022 में एंट्री मारने जा रहे हैं, और इसके अलावा मोहम्मद आमिर को एक बड़े बॉलर ने खुद से बेहतर करार दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है। आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा शाहीनों के स्क्वाड की हो चुकी है अनाउंसमेंट, साउथ शकील करेंगे क्यादत और कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, तो आपके साथ ये तमाम अपडेट्स शेयर करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर शान मसूद का ही आपके सामने सबसे पहले सीन रख दें, तो शान मसूद का कहना है कि मेरे प्लान में अब T20 वर्ल्ड कप 2022 है, नीदरलैंड के दौरे के लिए बेचारे को सिलेक्ट नहीं किया गया, और लाइफ की बेहतरीन फॉर्म में है इस वक्त शान मसूद, और कितनी करोगे ज्यादती शान मसूद के साथ यार। तो शान मसूद का कहना है कि मेरे प्लान का हिस्सा है T20 वर्ल्ड कप 2022, परफॉर्मेंस अभी भी जारी रखूंगा, और अगर मौका मिला तो मैं बिल्कुल फख्र महसूस करूंगा कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए कुछ करूं। तो उनके प्लान में T20 वर्ल्ड कप 2022 भी है, और वसीम साहब ने क्या कहा है कि उनका ऑप्शन ही नहीं रहता, वो ओपनिंग बल्लेबाज है, जिस वजह से पहले भी पाकिस्तान के पास ज्यादा बल्लेबाज हैं ओपनिंग स्लॉट के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, जो बड़ी अपडेट है वो अपडेट है ट्रेंट बोल्ट के हवाले से, कि उन्होंने कहा है कि मोहम्मद आमिर मुझसे अभी भी बेहतर बॉलर है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात क्या ट्रेंट बोल्ट ने, दुनिया का बेहतरीन बॉलर, उनका कहना है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ शाहीन है जिसके आगे पीछे पाकिस्तान की टीम घूम रही है, एक बॉलर से क्या होता है। उनका कहना है कि आमिर एक पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी साबित हुआ करते थे, उनका कहना है कि आज भी आमिर मुझसे बेहतर बॉलर है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। और इसके अलावा दोस्तों, शाहीनों का जो स्क्वाड है अनाउंस कर दिया गया है। दोस्तों अगर आपका अपडेट चलेगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज।